सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में हमेशा अपने कदम कसम और अपनी कमल को हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। जिस इंसान का हथियार उसकी मेहनत होती है तो सफलता भी उसकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाती है। किरण चाहे हमारे आशाओं की हो या फिर चमकते सूरज की, दोनों ही हमारे जीवन के सारे अंधकार को खत्म कर देती है। आज का पंचांग 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात्रि 10:01 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत श्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 5:10 से 6:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:01 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार, आज हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। सब आपकी समझ और स्पष्टता से प्रभावित होंगे। खूब प्रशंसा मिलेगी। इस बेहतरीन समय का प्रयोग नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मिलने जुलने में करें। इससे आपके सामने नए अवसर भी खुलेंगे। इस समय ग्रह स्थितियां आपके लिए उचित भाग्य का निर्माण कर रही है, इसलिए इनका भरपूर सदुपयोग करें तथा पूरे मनोयोग से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। कोई पारिवारिक धार्मिक आयोजन संबंधित योजना भी बनेगी। यात्रा से संबंधित निर्णय की वजह से आपको आनंद महसूस होगा। नए लोगों का साथ मिलना संभव है। पुराने मित्रों से प्राप्त हो रहा साथ आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होगा। काम से संबंधित प्राप्त हो रहे ट्रेनिंग की वजह से बड़े प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, फिर भी पार्टनर को एक दूसरे की जरूरतों को समझने की कोशिश करनी होगी। पैर दर्द और पैर पर सूजन हो सकती है। सावधानियां, आज मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करें तथा कुछ समय एकांत में बैठकर आत्मचिंतन भी अवश्य करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बनाकर रखने से दोनों तरफ सुकून भरा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। आपकी लव लाइफ कुछ ठहरी हुई सी है। आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सिंगल और काफी अलर्ट हैं। इसे आपको यह पता चलेगा कि जिंदगी में किसी का साथ पाने की बजाय और भी बहुत सी चीजें की जा सकती है। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो अपने जीवन में किसी का स्वागत करने के लिए नए टिप्स इकट्ठे कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा और सफलता से भरपूर है जो किसी भी तरह से शिक्षा या लेखन से जुड़े हैं। छात्रों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों और शिक्षा से जुड़े अन्य पेशेवरों के लिए एक बहुत आनंदमय एवं अच्छा दिन होने के संकेत हैं। आज का दिन लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करने के लिए उपयुक्त है। आज आप आराम से बैठें और उन प्रयासों का लाभ आपको मिलेगा जो आपने अपनी पेशेवर जीवन की दिशा तय करने में डाली थी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित बिजनेस गति पकड़ेंगे। दूरदराज के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर न करें क्योंकि आपके साथ चीटिंग कर सकता है। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव अवश्य रखें। थोड़ी सी लापरवाही भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं हैं।
लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप यह कभी नहीं कर सकते। कोई आपके आसपास ऐसा है जो नकारात्मकता फैला रहा है, इसी से आप पर बुरा असर पड़ रहा है। अपने संबंध को भी कुछ समय दें और इस बीच अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने भले के लिए करें। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।